नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री लाख कोशिश कर ले स्वास्थ्य व्यवस्था और सफाई व्यवस्था ठीक करने की, लेकिन कुछ अधिकारियों की मनमानी के आगे सब बेबस है। अगर हम आपको ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र का नाम कूड़ा घर बताएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको यकीन करना होगा। इस रिपोर्ट को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें, पूरा मामला जनपद बदायूं के विकास खंड उसावा के ग्राम रिजोला का है, जहाँ स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ नाम के लिए और कागजों में चल रहा है। ना ही कोई डॉक्टर बैठता है, ना ही कोई ANM। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये स्वास्थ्य केंद्र केवल कूड़ा घर बनकर रह गया है। ग्राम रिजोला के ही कुछ लोगों ने उसमें कंडे और कूड़ा डालना शुरू कर दिया है। कई वर्षों से ये स्वास्थ्य केंद्र केवल कूड़ा घर बनकर रह गया, जिसके विरोध में आज करनी सेना के जिलाध्यक्ष सहित राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने जमकर विरोध किया है। वहीं जिला अध्यक्ष करनी सेना ठाकुर यश प्रताप ने बताया कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम जिले स्तर पर उग्र आंदोलन करेंगे और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगे और किसी भी अधिकारी की लापरवाही चलने नहीं देंगे। वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी सत्यम गुप्ता ने बताया कि हमने कई बार उच्च अधिकारियों से एवं प्रधान से भी बताया, लेकिन उनके कान में आवाज नहीं पहुंची। अगर ऐसे ही लापरवाही चलते रही तो हम सभी लोग मिलकर जिला स्तर पर उग्र आंदोलन करेंगे। शिवम जी, आज आपने ग्राम रिजोला में स्वास्थ्य केंद्र है उस पर प्रदर्शन किया है, क्या समस्या है? समस्या ये हमारे काफ़ी दिन से बना हुआ है ये जी। ना डॉक्टर बैठते, डॉक्टर कहाँ से बैठे, सफाई नहीं हो रही है बिल्कुल, कम्प्लीट है, लेटरिन बाथरूम सब ओके एकदम, और उसमें कंडे भरे हुए हैं, ठीक है जी। उसमें काफ़ी बार मैंने उसकी एप्लीकेशन दी है और काफ़ी मैंने फ़ोटो व्हाट्सएप किए हैं डार्क बार, लेकिन कोई। शिवम जी, इस संबंध में आपने किसी उच्च अधिकारी को शिकायती पत्र या फिर बात की है इस संबंध में? जी बात नहीं की मैंने, जो कॉलिंग हुई है और जो मतलब व्हाट्सएप किए हैं मैंने सचिव के लिए और राजेंद्र प्रधान जी को किए, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम यश प्रताप सिंह, मैं जिलाध्यक्ष कंडीशनर बताएंगे। ये जो आपने आज एकत्रित होकर प्रदर्शन किया है स्वास्थ्य केंद्र पर ग्राम रिजोला में, क्या समस्या है? समस्या ये है, हमारा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है जी, वहाँ पर काफी साल से ना कोई डॉक्टर, ना कोई डिस्पेंसरी डॉक्टर, कोई नहीं आ रहा है, ना कोई बैठ रहा है, वो सब ऐसे पड़ा हुआ, उसमें कंडे भरे हुए हैं जी। गांव के लोगों को समस्या होती है, इसको लेके हमने आवाज उठाई। इस संबंध में आपने किसी अधिकारी से बात की है, किसी शिकायती पत्र दिया है किसी को? हाँ जी, हमारे CMO साहब को इसको वीडियो बना के भेजी थी, अपने ब्लॉक पे भी बात की है, प्रधान से भी बात की, पर अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। अच्छा, अब आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? मेरी रणनीति यही है कि इसको चालू कराया जाए, डॉक्टर लोग आए बैठे, गाँव की समस्या जो है वो यहीं सॉल्व हो, आदमी बाहर जाता है अस्पताल में लेके जाता है अपने पेशेंट को जी। कौन सा गाँव है ये? मेरा गाँव रिजोला, ब्लॉक कौन सा पड़ता है? उसावा, तहसील दातागंज। ठीक।